नमस्कार। आज है 20 अगस्त सन 2024 मंगलवार। कर्नल अजय, सीईओ अजय एस्ट्रोमनी ग्रुप, फर्स्ट ग्लोबल एस्ट्रो फाइनेंस डिजिटल चैनल से आपसे मुखातिब होता हूँ। दोस्तों, आज के एपिसोड में एक महत्वपूर्ण खबर यह है कि भारतीय मसाले अपनी क्वालिटी को लेकर अब ग्लोबल लेबल के ऊपर एक प्रश्न चिन्ह छोड़ रहे हैं। कुछ ब्रांडेड मसालों की जांच के बाद उन्हें खाने में अयोग्य कहा गया, क्योंकि तय मापदंडों पर वो पूरे नहीं उतर रहे हैं। राइटर्स की एक महत्वपूर्ण खबर आप तक पहुंचाते हैं। एक और महत्वपूर्ण खबर, 15 अगस्त यानी स्वतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पर शुरू होने वाले 15 से 24 अगस्त के बीच हमारे सब्सक्रिप्शन यानी पेड रिसर्च रिपोर्ट्स पे महत्वपूर्ण छूट की घोषणा की जा रही है। यदि आप हमारे चैनल की पेड सर्विसेज लेना चाहते हैं, रिसर्च रिपोर्ट में को साझा करना चाहते हैं, तो आज ही आप संपर्क करें। दोस्तों, मात्र 4 दिन बाकी रहे हैं। जानिए रिपोर्ट विस्तार से। दोस्तों, खबर निकल के आ रही है कि दो प्रमुख ब्रांड MDS और एवरेस्ट के मसाला प्रोडक्ट्स के ऊपर एक प्रश्न चिन्ह लग गया है, क्योंकि भारतीय अधिकारी द्वारा किए गए परीक्षणों पर समाचार एजेंसी रूटर्स द्वारा प्राप्त आंकड़ों के अनुसार परीक्षण किए गए मसालों में लगभग 12% मसाले के नमूने गुणवत्ता और सुरक्षा मानकों को पूरा करने में विफल रहे हैं। गौरतलब है कि कीटनाशकों के उच्च स्तर के कारण अप्रैल में हांगकांग द्वारा MDS और एवरेस्ट ब्रांड के कुछ मसाला मिश्रणों की बिक्री को निलंबित करने के बाद भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण ने मिश्रित मसाला और मिश्रण का निरीक्षण और नमूनाकरण और उसका परीक्षण किया। गौरतलब है इसके बाद हांगकांग के बाद ब्रिटेन ने भारत के सभी मसालों के आयात पर प्रतिबंध कड़े कर गए हैं। इम्पोर्टेड यानी भारत से होने वाले निर्यात होने वाले मसालों के आयात पर ब्रिटेन ने प्रतिबंध कड़े किए हैं, जबकि न्यूजीलैंड, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया ने कहा है कि वे कुछ मसालों के ब्रांडेड संबंधित मुद्दों पर विचार कर रहे हैं। MDS और एवरेस्ट ने कहा है कि उनके उत्पाद उपभोग के लिए सुरक्षित हैं। उनके मसाले भारत में सबसे ज़्यादा लोकप्रिय हैं, जो दुनिया का सबसे बड़ा मसालों का निर्यातक, उत्पादक और उपभोक्ता माना जाता है। यूरोप, एशिया और उत्तरी अमेरिका में इनके प्रोडक्ट बेचे जाते हैं। भारत के सूचना के अधिकार के अधिनियम के तहत रूटर्स द्वारा प्राप्त किए गए आंकड़ों से पता चला है, मई और जुलाई के शुरुआत में परीक्षण किए गए 4054 नमूने में से 474 नमूने गुणवत्ता और सुरक्षा मानकों पर खरे नहीं उतरे हैं। सुरक्षा एजेंसी ने रॉयटर्स की एक बयान में कहा है कि उसके बाद परीक्षण किए गए मसालों ब्रांडों का कोई तोड़ नहीं है, लेकिन इसमें शामिल कंपनियों के खिलाफ आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। भारतीय कानून के तहत दंडात्मक प्रावधानों का उल्लेख किए बिना कहा गया है कि संबंधित नमूनों पर निर्धारित कार्रवाई की जा गई है। रूटर्स के ओपन रिकॉर्ड्स अनुरोध में उन सभी नमूनों की रिपोर्ट मांगी गई जो परीक्षण में विफल रहे, लेकिन एजेंसी ने कहा कि ऐसी रिपोर्ट उपलब्ध नहीं है। गौरतलब है कि कुछ मार्केट रिसर्च ने साल 2022 में भारत का घरेलू मसाला बाजार 10.44 बिलियन डॉलर होने का अनुमान लगाया था, और मार्च में समाप्त हुए वित्तीय वर्ष में मसाला और मसाले उत्पादों का निर्यात रिकॉर्ड 4.46 बिलियन डॉलर का रिकॉर्ड किया गया था। भारतीय मसालों की क्वालिटी को लेकर उठे विवाद के बाद देश में मसालों की क्वालिटी और जरूरी मानकों के अनुरूप बनाने के लिए विभिन्न एजेंसियों और संघों द्वारा अवेयरनेस अभियान भी चलाया गया। इस संदर्भ में मसाला कंपनियों के पहले से ज़्यादा जागरूक हो गई है, और वर्तमान समय में दुनिया के हर देश में कीटनाशकों की मात्रा को लेकर अलग अलग मानक और मापदंड हैं। हर देश अपने विवेक के अनुसार नियम बनाता है, जिसके कारण भारतीय मसाले एक देश में पास हो जाते हैं और वहीं से दूसरे मसाले दूसरे देशों को निर्यात हो जाते हैं, जिसके कारण निर्यातक को वैश्विक स्तर पर एक बेंचमार्क का भी सुझाव दिया जा रहा है। गौरतलब है कि हर देश की आयात और निर्यात नीति अलग अलग है,
क्वालिटी मापदंड बिल्कुल अलग अलग हैं, और होना ये चाहिए कि ग्लोबल लेवल पर कुछ भी जो एडेबल या खाद्य पदार्थ हैं उनकी क्वालिटी को लेके एक मापदंड होना चाहिए, और उस मापदंड के आधार पर कंपनियों को प्रोडक्ट जो एक्सपोर्ट होते हैं उसके पर लागू होने चाहिए। अलग अलग देशों में अलग अलग मापदंड ये किसी भी स्तर पे उचित नहीं है। या फिर जो विदेश भारत से मसाले खरीद रहा है वो भारत से डायरेक्ट मसाले खरीदें, और होता यह है कि कुछ ट्रेड पॉलिसीज़ के तहत मसाले किसी दूसरे देश में पहले एक्सपोर्ट होते हैं, वहाँ से फिर दोबारा किसी दूसरे देशों में एक्सपोर्ट होते हैं, और यही हाल आयात को लेकर है। पाकिस्तान का बहुत अधिक कुछ मटेरियल जो भारत में आता है वो बाय दुबई के आता है, और भारत से पाकिस्तान को कोई आइटम जाता है तो बाया दुबई के जाता है, और ऐसी बहुत सारी स्थितियाँ ऐसी हैं कि कुछ प्रोडक्ट्स जो डायरेक्ट नहीं आके बाया मीडिया के जरिए आते हैं, तो ऐसी स्थिति में बड़ी कन्फ्यूजन की स्थिति होती है। लेकिन MDH और एवरेस्ट जैसी ब्रांडेड मसाला कंपनियों के लिए ये चिंताजनक बात ज़रूर है। ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक, हैप्पी ट्रेडिंग।